तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज चीज सुनने को मिला है कि ये जो होंडा कंपनी के जितने भी डीलर्स है ना, तो ऑलमोस्ट सभी डीलर्स जो है होंडा के ही एक्टिवा 6G वाले मॉडल का जो वेरिएंट है ना, तो उनके अंदर ना भाई 3000 रुपीज का जो भाई डिस्काउंट है ना, तो वो तक देने के लिए राजी हो रहा है। और ये जो चीज है ना, तो ये देख के भाई बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि जो होंडा का ही एक्टिवा 6G वाला जो मॉडल है ना, तो इसका शायद से डिसकंटिन्यू डेट जो है तो वो बहुत ही जल्दी हम सभी के लिए आने वाला है सामने। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्म 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 ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों सच बता रहा हूँ भाई, जब से TVS का ही न्यू जुपिटर 110 वाला मॉडल लॉन्च हुआ है ना न्यू लुक के साथ में, तो तब से भाई बहुत सारे कंपनीज का जो नींद है ना, तो वो उड़ चुका है ये स्कूटर के दुनिया में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई अभी के डेट में एक न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है कि ये जो होंडा कंपनी है ना, तो इनका भाई जो एक्टिवा 6G करके जो मॉडल है ना, तो उस वाले मॉडल का भाई जो वेरियंट है कुछ, तो उनके अंदर भाई डिस्काउंट देखने को मिलेगा होंडा के ही लगभग सारे डीलर्स में। मतलब 3000 का जो डिस्काउंट है ना, तो वो को मिलेगा। और ये तब तक जब तक ना होंडा का ही जो अभी के रेट का एक्टिवा 6G करके जितने भी मॉडल जो है ना, तो वो जब तक ना बिक जाते हैं, तो तब तक भाई 3000 रुपीज का जो डिस्काउंट है, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। अब देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि ये जो चीज है ना, तो ये देखने के बाद बहुत सारे लोगों का कुछ ऐसा ही कहना है कि जो होंडा कंपनी का जो एक्टिवा 6G करके मॉडल है अभी के डेट में जो मिलता है, तो उस वाले मॉडल को होंडा कंपनी शायद से डिसकंटिन्यू कर सकता है, और वो भी बहुत ही जल्दी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई पहले बात तो जो होंडा का ही एक्टिवा 6G करके जो मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको ना ही तो लुक्स उतना कुछ बढ़िया देखने को मिलेगा, और हालांकि भाई अभी के डेट में TVS का ही जुपिटर 110 के साथ में अगर कंपैरिजन किया जाए, तो भाई लुक्स में तो TVS का ही जो 110 वाला जुपिटर है, तो वो तो वैसे भी जीत जाएगा। बात कुछ ऐसे ही कि होंडा का ही जो एक्टिवा 6G करके मॉडल है ना, तो इसका भी जो एक न्यू फेसलिफ्ट वाला जो मॉडल है, तो ये भी जो आने का संभावना है ना, तो वो भी बहुत ही ज्यादा है। अगर ये होंडा कंपनी का अभी का जो एक्टिवा 6G वाला मॉडल है ना, तो वो अगर डिस्कंटिन्यू हो जाता है तभी। अब बात कुछ ऐसे कि होंडा का ही जो न्यू जो एक्टिवा 6G करके मॉडल आएगा, तो उसके अंदर भाई लुक्स में चेंजेस डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि भाई होंडा का ही जो लुक्स है ना न्यू एक्टिवा के अंदर, तो वो अगर न्यू वाले नहीं देखने को मिलता है ना, तब भाई उतना जो सेल्स है ना, तो वो भी नहीं होगा, जिसकी वजह से TVS का जो जुपिटर 110 वाला मॉडल है, तो वो भाई फिर से जीतने वाला है रेस में। अब इसके अलावा अगर देखा जाए अभी के डेट में होंडा का ही एक्टिवा 6G वाला जो मॉडल ना, तो इसके अंदर कुछ कुछ कमियां हैं। जैसे कि भाई पहले बात तो होंडा का ही 6G वाला जो मॉडल है एक्टिवा के, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भाई फीचर्स ना, तो उसके अंदर डेफिनेटली एक फीचर्स न्यू है, जो कि है एक स्मार्ट वाला फीचर, मतलब कि कीलेस लॉक अनलॉक या फिर इग्निशन ऑन वगैरह जो भी है, तो ये सारा कुछ चीजें। लेकिन भाई एक जो बात है ना, तो वो है कि होंडा का ही जो एक्टिवा 6G के अंदर आपको जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा, तो वो पूरे तरीके से डिजिटल नहीं है, मतलब कि बहुत ही पुराना सा भाई के मीटर कंसोल है, जिसको भाई जो है ना, तो वो रिप्लेस करके एक न्यू जो मीटर कंसोल है पूरे तरीके से डिजिटल वाला, तो वो दे देना चाहिए था अभी तक होंडा कंपनी को। और इसके अलावा एक और भी चीज, जो कि होंडा के ही जो एक्टिवा वाले मॉडल ना, तो उसके भी अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन भाई जो डिस्क ब्रेक है ना, तो वो देखने को नहीं मिलता है, भाई ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलता है। और इसके अलावा एक और भी चीज, जो कि होंडा के ही एक्टिवा 6G के अंदर देखने को मिलता है, और उसको भी भाई चेंज करना चाहिए, जो कि भाई USB चार्जिंग पोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि अभी तक दे देना चाहिए था। और इसके अलावा लाइट्स का जो सेटअप है ना, तो उसके भी अंदर भाई ऑल LED लाइट्स का जो सेटअप है ना, तो वो भी दे देना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं है। और वो सारा कुछ चीजें जो है ना, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई न्यू वाले एक्टिवा 6G के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मतलब फेसलिफ्ट वाले मॉडल में, जो कि बहुत ही जल्दी आएगा भाई इस इंडियन मार्केट में भी, साथ ही ग्लोबली भी, मतलब ऐसा ही कुछ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और ये एक मतलब छोटा सा बात लीक भी हुआ है कहीं से, तो जो भी है, लेकिन बात कुछ ऐसे कि होंडा कंपनी का जो अभी के रेट का जो मॉडल है ना एक्टिवा के, तो उसके भी अंदर अगर इंजन में देखा जाए, तो ये पहले बात तो इंजन जो है, तो एक 110cc वाला सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर रहा है भाई, 8 BHP वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो वो है भाई 9NA। बाकी तो एक और भी चीज, जो कि भाई होंडा की ही एक्टिवा 6G के अंदर आपको मतलब दे देना चाहिए था अभी तक, जो कि भाई कुछ न्यू कलर स्कीम और ग्राफिक्स, मतलब इस 2024 साल के अंदर कुछ न्यू कलर स्कीम तो दे देना चाहिए था ना एक्टिवा 6G वाले मॉडल में। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारा कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर।
तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।